Hello friends, this is Pooja Miss from Apace Academy. Back again. Okay, so today I'll be talking about Neo-Mendalian genetics. This is a continuation of the last video that I had shared few days back. If you have not seen that video, please do watch it first, because then only you would be able to understand today's video, because it's a continuation. And if you have not yet subscribed to our channel, please do subscribe it. Share it with your family, with your friends. Okay, so today I'll be talking about Neo-Mendalian genetics. ये Mendel's के जो laws थे, इससे एक further part है, आगे का part है. Okay, Neo-Mendalian genetics जो है, वो picture में क्यों आया? The reason was Mendel ने सिर्फ pea plant पे काम किया था, and ये जो pea plant था, ये pea plant के पास 7 chromosomes थे. और 7 क्रोमोसोम्स पे 7 डिफरेंट जीन्स थे. और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, पी प्लांट के पास सिर्फ 7 कैरेक्टर्स थे, है ना? तो 7 कैरेक्टर्स, 7 क्रोमोसोम्स एंड 7 जीन्स, ईच जीन ऑन ईच क्रोमोसोम. तो वहां पे कोई लिंकेज एज सच नहीं था. ओके, एंड हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, 33,000 जीन्स है, है ना? तो हर एक क्रोमोसोम पे एक जीन होना पॉसिबल है. तो बहुत सारी जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होती है, और उसके वजह से होता है लिंकेज. ओके, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है, सो आज हम 5 ऐसे कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जो मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं की थी. ओके, तो पहली कंडीशन के बारे में जो हम आज बात करेंगे, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मेंडल ने डोमिनेंस बताया था क्या होता है. ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है वो हम आज देखेंगे. ओके, डोमिनेंस में जैसे मेंडल के हिसाब से हमारे पास दो एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेट्स थे. एक ट्रेट डोमिनेंट था, एक ट्रेट रेसेसिव था. यानी वो डोमिनेंट ट्रेट के सामने वो रेसेसिव ट्रेट अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा. ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों भी ट्रेट्स जो होते हैं, दे आर पार्शियली डोमिनेंट ओवर ईच अदर. ओके, सो दोनों जो ट्रेट्स है वो अपने आप को मिक्स कर लेंगे एंड एक नया ट्रेट बनेगा. इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है 4 o'clock प्लांट, विच इज ऑल्सो नोन एज मीराबेलिस जलापा. ओके, नाउ दिस प्लांट, ये प्लांट के पास दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं. एक तो रेड फ्लावर होगा, एक तो वाइट फ्लावर होगा. आइडियल सेंस में हमारे हिसाब से द रेड कलर वुड बी डोमिनेंट एंड द वाइट कलर वुड बी रेसेसिव. ओके, एंड अगर मैं इनको मिक्स करूंगी तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? F1 जनरेशन में हमें सारे रेड फ्लावर्स मिलेंगे, है ना? बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट हैपेंस इज, हमें ये जो रेड और वाइट फ्लावर्स के क्रॉस के बाद हमें सारे पिंक फ्लावर्स मिलते हैं. सो देयर इज मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स हियर, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, हमें मेंडल के लॉज के हिसाब से F1 जनरेशन का रेशियो क्या मिलता था? फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, इट ऑलवेज यूज टू बी 1:0. और वो 1:0 क्या होता था? द डोमिनेंट कलर यूज एंड द रेसेसिव कलर. लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो 1:0 भले मिल रहा है, बट द फिनोटाइप दैट इज देयर, इट इज नीदर द डोमिनेंट कलर नॉर द रेसेसिव कलर. ये एक तीसरा कलर है विच इज बीन एक्सप्रेस्ड. ओके, F1 को लेके जब F2 क्रॉस करेंगे तब हमें रेशियो मिलेगा 1:2:1, बोथ फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप. यहाँ पे 1 होगा द रेड, 2 होगा द पिंक, एंड द लास्ट 1 वुड बी द वाइट कलर ऑफ द फ्लावर. सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. द अदर टाइप ऑफ Neo-Mendalian जेनेटिक्स दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इज कोडोमिनेंस. ओके, ये जो कोडोमिनेंस है, इसमें दोनों भी ट्रेड्स जो है वो इक्वली एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को. ओके, इसका एग्जाम्पल है रोएन कलर ऑफ द कैटल्स. ओके, कैटल्स जो है यानी हमारे काउज एंड बफलोज, ओके, इनका कलर, जो स्किन कलर होता है वो वाइट हो सकता है, वो ब्राउन हो सकता है, वो रेड हो सकता है. ओके, नाउ जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे हमारे कैटल के पास रेड कलर है और एक हमारा एक और कैटल है जिसके पास वाइट कलर है. ओके, दे आर प्योर लाइंस, प्योर रेड, प्योर वाइट. इनको जब हमने क्रॉस किया तब रिजल्टेड आइडियली
यूजुअली क्या होता है, रेड मेंडल के हिसाब से. बट यहाँ पे हमें जो कलर मिला, दैट कलर वॉज नॉट रेड नॉट वाइट, इट वॉज बोथ. यानी कि क्या हो गया, हमारे कैटल के पास पूरा उसका जो स्किन है दैट हैज रेड एंड वाइट पैचेस. ओके, सो दिस इज कोडोमिनेंस. बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली. ओके, द नेक्स्ट दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इज मल्टीपल एलीलिज्म. ओके, हम ये चीज जानते हैं कि एक क्रोमोसोम में, हम ये चीज जानते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स होंगी. ओके, मल्टीपल एलीलिज्म में क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए देर आर अ लॉट ऑफ एलील्स. एलील्स क्या होती है, टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, है ना. इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज, गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो. ओके, अब इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. ओके, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. ओके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप कुड बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी ओ. ओके, इसके लिए तीन एलील्स है, ए बी एन ओ. सो दिस इज मल्टीपल एलीलिज्म. देन देर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द विंग शेप ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर इज अ फ्रूट फ्लाई. ओके, जो यूजली हम फ्रूट्स के ऊपर मक्खियाँ देखते हैं ना, छोटी छोटी मक्खियाँ, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. है छोटी सी, नाम बहुत बड़ा है. ओके, अब ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है, इसके पास पांच डिफरेंट टाइप्स के विंग्स है, और ये पांच डिफरेंट टाइप्स के विंग्स के कैरेक्टर के लिए इसके पास पांच अलग एलील्स है. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज प्लियोट्रोपिज्म. ओके, when one gene is responsible for the expression of many characters, it is called as pleiotropism. ek gene jab bahut sare characters ko express karti hai tab hum use pleiotropism kehte hain. okay, pleiotropism mein mere paas example hai sickle cell anemia ka. okay, sickle cell anemia hai kya, firstly we'll see that it's a recessive genetic disorder wherein your rbcs they appear in a सिकल शेप. ओके, सिकल शेप यानी क्रीसेंट, मून के शेप के दिखते हैं तुम्हारे आर बी सीज. यूजली आर बी सीज का कलर होता है बायकॉनकेव. ठीक है, अब ये कंडीशन अराइज कैसे होती है, दिस कंडीशन अराइजेस बिकॉज ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन इन योर बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये चार चेन से बना होता है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन. ओके, तो ये बीटा चेन्स के सिक्स एमिनो एसिड में जब एक पॉइंट म्यूटेशन होता है और वैलिन, ये जो अमीनो एसिड है, ये कोई और अमीनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है, तब हम एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, सो तुम्हारे आरबीसी सिकल सेल, सो तुम्हारे आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं. ओके, अब सिकल सेल एनीमिया को मैंने कहा है कि वो प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के लिए एक ही जीन है HB, और उस जीन के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं. अगर HbA होगा तो दैट पर्सन इज नॉर्मल, एंड अगर HbS होगा तो दैट पर्सन है सिकल सेल एनीमिया. अब जीन यूजली अकेली नहीं होगी, उसके साथ में उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी होगा. ठीक है ना, तो अगर अ पर्सन हैज HbA, तो दैट पर्सन इज नॉर्मल. And if that person has the genotype HBS and HBS, तो इसका मतलब उसे क्या है, उसे है सिकल सेल एनीमिया. दिस डिजीज इज फेटल. तुम्हारे आर बी सी क्रीसेंट शेप के हो जाते हैं, तो देर इज नो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, एंड ऑफकोर्स अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई. ओके, नाउ देर इज वन मोर कंडीशन जिसमें वो पर्सन सिकल सेल एनीमिया का कैरियर हो सकता है. ये कंडीशन कैसे होगी, जब हमारे पास एक जीन HbA होगी और दूसरी होगी HbS. ठीक है, नाउ मैरिजेस बिटवीन सिकल सेल अनीमिया कैरियर्स इज बीन रिस्ट्रिक्टेड. द रीजन इज, हम इसका क्रॉस देखते हैं, HbA HbS HbA HbS, मियोसिस HbA HbS HbA HbS. फर्टिलाइजेशन जब होगा तब हमारे पास एक ऐसा पर्सन होगा
जो नॉर्मल होगा विथ HbA HbA, दो ऐसे लोग होंगे जो वापस कैरियर्स होंगे HbA HbS, एंड एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो सिकल सेल एनीमिक होगा. सो देयर आर 25% चांसेस दैट इन अ मैरिज बिटवीन टू सिकल सेल एनीमिक उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा 25% चांसेस ये है कि वो जो ऑफस्प्रिंग है दैट ऑफस्प्रिंग वुड बी सिकल सेल एनीमिक. 50% chances that that offspring is going to be a carrier, and 25% chances ki wo offspring kya hoga, normal hoga. Okay, next we'll be talking about polygenic inheritances. Okay, polygenic inheritance yani when many genes are responsible for the expression of just one character. Okay, one character. So iske mere paas do examples hai. Ek ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर के लिए, और एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तीन जीन्स रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर के लिए. ठीक है, तो जो पहला वाला एग्जाम्पल है दैट इज द कलर ऑफ द व्हीट कर्नल. ओके, व्हीट के कर्नल का कलर, इट कैन बी रेड, इट कैन बी वाइट. ओके, सो ये व्हीट कर्नल का कलर के लिए जो जीन होती है दैट इज AABB, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी. इफ दिस इज द कंडीशन द कलर इज रेड. There is another form, small a, small a, small b, small b. If this is the condition, then the color is white. ठीक है, दो genes हो गए ना एक character के लिए. ठीक है, इनका जब cross होगा, ये अगर हम relate कर सके तो ये हमें dihybrid ratio की तरह दिखेगा. ठीक है, तो हमें 16 different variants मिलेंगे. ये 16 different variants का phenotypic ratio बनता है 1:4:6:4:1. ठीक है, सो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेड व्हीट कर्नल के कलर का होगा, रेड कलर का होगा, बीच के जो रहेंगे दैट दे आर गोइंग टू बी वेरिएंट्स लाइट रेड. ओके, लाइट देन सो ऑन, एंड देयर वुड बी वन ऑर्गेनिज्म जो होगा कंप्लीटली वाइट कलर का. ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव इज ऑफ द स्किन कलर ऑफ ह्यूमन स्किन कलर के लिए तीन जीन्स है A, B, and C. अगर एक ह्यूमन के पास जीन है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, तो उसका फिनोटाइप होता है प्योर ब्लैक. एंड एक ऑर्गेनिज्म या एक ह्यूमन जिसके पास स्किन कलर के लिए जीन है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो उसका स्किन कलर होता है प्योर वाइट. स्किन कलर के लिए जो जीन होती है दैट जीन इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन कॉल्ड मेलानिन. ठीक है, ये मेलानिन जो है वो हमारा स्किन कलर डिटरमाइन करता है. मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन हाई, स्किन कलर बिकम्स डार्क. मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन लो, स्किन कलर बिकम्स पेल और वाइट. ओके, एल्बिनिज्म ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास जीन होती है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलानिन. ओके, सो दैट पर्सन इज प्योर वाइट. इन दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इनका जब हम क्रॉस करेंगे तब हमें 64 डिफरेंट वेरिएंट्स मिलेंगे. और ये 64 डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए जब हम इसका क्रॉस करेंगे तब हमें 64 डिफरेंट वेरिएंट्स मिलेंगे, और इनमें एक रेशियो मिलेगा, एक फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा, एंड दैट रेशियो इज 1:6:15:20:15:6:1. ठीक है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो प्योर ब्लैक होगा. बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हमने टर्म दिया है मुलेटोस, इन बिटवीन लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन व्हाइटिश कलर एंड सो ऑन. ओके, एंड देयर वुड बी वन ऑर्गेनिज्म जो होगा एल्बिनो. ओके, दैट इज नथिंग बट प्योर वाइट. ओके, दैट्स इट. दीज वर द 5 नियो-मेंडेलियन जेनेटिक्स लॉज, और यू कैन से नियो-मेंडेलियन डेरिवेशंस फ्रॉम द मेंडेलियन लॉज दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. ओके, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट. ओके, and do share this with all your friends and family. That's it for today. Thank you.